और दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं URBN यानी अर्बन की तरफ से आने वाला एक और न्यूली लॉन्च्ड पावर बैंक। ये जस्ट लॉन्च हुआ है एंड इसका डिजाइन देख करके मैं तो भाई फैन हो गया और मैंने मंगा लिया। वैसा आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ हमने रिसेंटली इस टाइप के पावर बैंक्स को रिव्यू किए थे, आपने बोला भाई मजा नहीं आ रहा, हमें तो थोड़े महंगे वाले थोड़े और क्वालिटी वाले चाहिए, तो हमने मंगा लिया भाई साहब थोड़े महंगे वाले थोड़े क्वालिटी वाले। तो ये है अर्बन की तरफ से आने वाला पावर बैंक एंड पैकेजिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको टाइप सी आउटपुट दिखा रखा है, 2-way चार्जिंग लिखा है एंड 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन है, 6 मंथ की वारंटी है एंड सेम चीज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सामने भाई साहब एकदम बड़ा बड़ा ब्रांडिंग देके रखा है, चार्जिंग क्वालिटी देख सकते हो एंड यहाँ पे पीछे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देके रखा है। बट हम इसका आप डब्बा खोलते हैं, देखते हैं भाई साहब चार्जिंग कैसी है, पावर बैंक काम करता है। एंड यहाँ पे कैसे एक छोटा सा सील रहता है, सील को आप हटा सकते हो। वैसे हमने ऑलरेडी सील को फाड़ दिया था, पिछले एक दिन से इसको यूज करते आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना मेरा रिव्यू क्या है इसका, ओवरऑल जो मेरा फीडबैक है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में अर्बन के हमने अलग अलग टाइप की पावर बैंक ऑलरेडी यूज करके रखा है तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपको जो है ना 100 rupees का डिस्काउंट कोड मिल जाएगा एंड 6 मंथ वारंटी कोड भी पीछे से ले सकते हो। जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो 100 rupees का डिस्काउंट एंड वारंटी क्लेम करने के लिए यहाँ से QR कोड को स्कैन कर सकते हो। एंड साथ में भाई साहब हमें जो है ना एक बिल मिल जाता है एंड इसकी प्राइसिंग में बताऊं तो ये जाकर के 999 यानी कि 1000 rupees का पड़ा है, इसको भी हम साइड रख देते हैं। एंड साथ में यहाँ पे आपको जो है ना कुछ यूजर मैनुअल गाइड्स देके रखा है, जो भाई साहब आपको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हमारी वीडियो देखो तो मैं इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा और पूरा माल मसाला समझ आए, इसको भी फेंक देते साइड में। एंड तो फाइनली और लास्ट में आपको जो है ना एक टाइप सी टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी अच्छा है, एकदम थिक वाला केबल क्वालिटी है और हाँ इससे आप डेटा ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया है, तो फाइल वाइल वगैरह ट्रांसफर करना मोबाइल से लैपटॉप से वाइल इस वाले डेटा केबल से हो जाता है। यूजुअली क्या होता है कि पावर बैंक के साथ में जो भी डेटा केबल होता है उसमें सिर्फ पावर सप्लाई होता है बट डेटा ट्रांसफर नहीं होता, बट इस वाले में डेटा ट्रांसफर अवेलेबल है। तो बाकी ये रहा साइड में एंड साथ में भाई साहब ये रहा पावर बैंक जो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ओके, पावर बैंक की अगर मैं पूरा इसकी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े नंबर से जो है ना URBN के अर्बन की ब्रांडिंग देखो मिल जाता है और ये मेटल वाला चीज यहाँ पे छोटा सा मेटल का चीज डाल के रखा है जो कि भाई साहब ये अच्छा कूल लुक देता है। और ये वाला पूरा ही प्लास्टिक कार्बोनेटेड प्लास्टिक है, वैसे ये रबरी फीलिंग देता है। जो टेक्सचर यहाँ पे अगर देख पाओगे तो भाई एक डॉटेड डॉटेड हनीकॉम वाला टेक्सचर दे के रखा है। साथ में यहाँ पे 4 इंडिकेटर लाइट दे के रखा है, यहाँ पे छोटा सा एक बटन है एंड इस वाले बटन को हम जैसे टैप करते हैं यहाँ पे आपको जो है ना चार्जिंग कैपेसिटी देख सकते हैं। अब देखो 4 लाइट में 3 लाइट जल रहा है, यानी कि अराउंड 75% का आपका बैटरी बैकअप यहाँ पे है। एंड राइट साइड की बात करें तो एकदम प्लेस सफाट है, पूरी तरफ से यहाँ पे सफाट है। यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको दे के रखा है एंड साथ में ऊपर में जाकर के टाइप ए का आउटपुट एंड एक माइक्रो USB का टाइप सी वाला पिन है। तो इससे आप आउट ले सकते हो, इससे भी आउट ले सकते हो, दोनों से आउट ले सकते हो। चार्जिंग में आप टाइप सी से आप जो ना इसको चार्ज कर सकते हो। एंड पीछे की तरफ देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो ना अर्बन की ब्रांडिंग वगैरह देखे रखा है और बाकी जो भी आउटपुट्स वगैरह आता है आप स्क्रीन पे है, आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी गैस ये जो है ना 22.5 watts का आउटपुट देता है एंड नो डाउट गैस इसको मैं जो ना कल से टेस्ट करते आ रहा हूँ इंटेंसली। इसका जो है ना चार्जिंग मैंने यूज करा तो फास्ट चार्ज अच्छा सपोर्ट करता है, 22.5 watts जो लिखा हुआ है एक्चुअल में 22.5 watts का जो ना आउटपुट मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है, जो कि अलग अलग बैटरी में टेस्ट करते रहता हूँ। एंड बाकी सबसे कमाल की बात भाई इसका जो ना लुक एंड फील भाई साहब एकदम छोटा सा हैंडी सा एकदम हाथ में आराम से फिक्स हो जाता है और ये जो टेक्सचर दे के रखा है ये जो ना आम चीप प्लास्टिक जैसा फील बिल्कुल भी नहीं करता, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का फील होता है एंड ये बहुत ही स्मूथ एकदम स्मूदिंग है भाई साहब, एकदम स्मूथ में हमें तो नींद आ जाएगी भाई साहब। तो ये जो ना ये रबर वाला टेक्सचर देके रखा और यहाँ पे देख सकते हो जो फिनिशिंग वगैरह बना के रखे बहुत ही कमाल का फिनिशिंग देके रखा है। एक छोटा सा देख सकते हो भाई एक डेबिट कार्ड के साइज का है बट हाँ मोटापा कुछ इतना है आप देख सकते हो इस लेवल का। अगर मैं नॉर्मल पावर बैंक से अगर कंपेयर करके दिखाऊं, जैसे कि ये वाला फ्लिक्स वाला पावर बैंक है, ओ
तो इसका भी रिव्यू वगैरह हमने करके रखा है, तो ये देख सकते हो MI वगैरह का भी इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। तो इसका भी वीडियो वगैरह अगर आपको चेकआउट करना था चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसकी प्राइसिंग भाई साहब बहुत ही कमाल की आई है, अगर अंडर बजट 600-700 रुपए में देखना चाहते हो तो इसके वाले वीडियो चैनल पे जाकर जरूर देखना। बाकी वैसे ये 999 का 1000 का आता है, एंड दोनों के बीच में देखो कंपैरिजन में करके दिखाऊं, अगर आसपास में रख तो देख सकते हो इतना जो है ना गैप है। एंड मोटापा देखा जाए तो ये हल्का सा मोटा है, बाकी ये भाई साहब प्लास्टिक बिल्ट है, पूरी तरह से प्लास्टिक है, बट ये वाला रबर बड़ा। एंड भाई साहब एकदम सॉलिड फील होता है, वेट अच्छा खासा वेट है इसका, एंड आई थिंक ये अराउंड 250 ग्राम का वेट हो सकता है। वेट मशीन में आगे वाले वीडियोस में ना वेट चेक करके आपको बताऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है ना भाई। गैस टेस्ट वगैरह हम कर रहे थे, अगर इसको फुल चार्ज करना है तो भाई ये अराउंड 2.5 घंटे में फुल चार्ज होता है, 2.5 से 3 घंटे का फुल चार्ज रहता है। एंड हाँ, ये इनपुट में फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है, और उसका इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे जो भी लाइट्स देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे आपको अगर फास्ट चार्ज ये सपोर्ट करता है अपने चार्जिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर इसको केबल को कनेक्ट कर दिया है और ये वाला फास्ट चार्जर है तो नॉर्मल लाइट आपको जलने लगेगा, बट अगर फास्ट से चार्ज होगा ना तो भाई एक लाइट आपको जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई डोंट नो कैमरे में आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे जो ना पहला वाला लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होगी, जिसका मतलब अब जाकर के फास्ट चार्ज में इनपुट ले रहा है करंट को। एंड सेम चीज जब इससे आप मोबाइल चार्ज कर रहे होगे, अगर ग्रीन लाइट जल जाता है तो यानी फास्ट चार्ज आउटपुट दे रहा है और आपका फोन भी सपोर्ट कर रहा है। अगर ये ग्रीन लाइट नहीं आता, नॉर्मल व्हाइट लाइट रहता, तो यानी ये अराउंड 10 वॉट्स का चार्जिंग में काम कर रहा है, तो जो कि अच्छी बात लगी। लाइटिंग का अंदाजा देने के लिए मुझे जो अंधेरे में शूट करना पड़ रहा है, बट ये देख रहे हो लाइट अभी दिख रहा है, 3 लाइट। अब जैसे हम चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे, ये देखो जैसे चार्जिंग कनेक्ट किया अब देखो चलने लगा, अब तीनों में व्हाइट लाइट है, बट ये वाला देखो ग्रीन चलने लगा, दिख रहा है ना, देखो जूम करने पर पता चलता है, तो ये ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तब जाकर यानी फास्ट चार्ज हो रहा है एंड सिमिलर वे आउटपुट में होता है। और अर्बन के जो पुराने जो चार्जर हमने रिव्यू किया था, सॉरी जो पावर बैंक रिव्यू किया था, उसमें भी ये फंक्शनैलिटी था, वो 1500 का था और ये 1000 रुपये में सेम फंक्शनैलिटी मिलता है। थोड़ा डिजाइन का फॉर्म फैक्टर डिफरेंट है, एंड बाकी भाई साहब देख सकते हो बहुत ही कमाल का है। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला पावर बैंक मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एंड हाँ, ये वाला और ये वाले पावर बैंक का अगर देखना चाहते हो रिव्यू वीडियो, ये तो भाई साहब वैसे डायनेमो करके पेट्रॉन की तरफ से है, एंड ये भाई साहब फ्लिक्स करके ब्रांड की तरफ से, इसका वीडियो अवेलेबल चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना। पहली बार चैनल पे आए तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई भी सवाल वगैरह क्वेश्चंस वगैरह या फिर फीडबैक वगैरह मेरे लिए। एंड दिवाली वगैरह मना रहे हो तो सब लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, एंड हमने दिवाली का शॉपिंग ये सब कर लिया। बाकी इस वीडियो में इतना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाली वीडियो में, और कोई भी सवाल जवाब कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह तो डेफिनेटली डाल देना। बाकी अगर कुछ स्पेसिफिकेशन में बताऊं, ये बैटरी लिथियम पॉलीमर को सपोर्ट करता है, जो कि लिथियम आयन से बेटर रहता है, जैसे ये सब जो है लिथियम आयन बेस्ड है और ये लिथियम पॉलीमर बेस्ड है। टेक्निकल स्पेक्स में उतना नहीं जाते हैं, एंड चार्जिंग आउटपुट्स वगैरह अगेन स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप चाहे तो इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही है फिलहाल, एंड ओवरऑल डेफिनेटली 1000 रुपये के अंदर में अगर एक पावर बैंक, अच्छा सा पावर बैंक ढूंढ रहे हो तो भाई डेफिनेटली इसको देख सकते हो। ये अर्बन की प्रोडक्ट जो है पिछले मैं 2-3 महीनों से यूज करते आ रहा हूँ, स्पेशली पावर बैंक क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस देता है, एकदम तगड़े वाले, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।